यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि मेरे को लगता है आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके साथ नहीं यार, आपके रिलेटिव्स के साथ या फिर जितने भी आपके नोन्स हैं उनके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स या फिर ऑनलाइन अकाउंट में से पैसे कैसे निकल जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन को आप फेस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। एंड ये बात करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम जापान, मैं जापान से इंडिया ट्रैवल कर रहा था इन द ईयर 2021 टू मीट माई फैमिली। एंड जब मैं अपनी फैमिली से मिला, आई वॉज देयर इन इंडिया फॉर अराउंड 6 मंथ्स। एंड उस टाइम पीरियड में मेरे मॉम ने मेरे साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करी जो मेरे को लगता है आपको मैं बताऊं एंड उसका सॉल्यूशन भी बताऊं कि अगर आपके साथ सेम चीज़ होती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यार जो मेन चीज़ हुई थी वो ये हुई थी, जो मेरे रिलेटिव थे ना, एक दिन अचानक से उनके फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं। बट वो शॉक्ड हो गई ये मैसेज देख के, बिकॉज उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को, बेटे को फ़ोन करके पूछा कि आपने कार्ड तो नहीं यूज़ करा, बिकॉज हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो आगे से उनको रिप्लाई आता है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी थी, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप एक बारी बैंक में जाके प्रॉपर डिटेल्स पता करें एंड उनको इन्फॉर्म करें जितनी जल्दी हो सकता है। एंड जितनी देर में वो बैंक तक पहुंचे उतनी देर में उनके 2.5 लाख के अराउंड पैसे पहले से ही डिडक्ट हो चुके थे। तो यार ये हुआ उनके साथ। उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी, बट अभी हो चुका है 2023 एंड अभी तक उनको वो वाले पैसे वापस नहीं मिले। ऐसे क्राइम वगैरह आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो आई थॉट कि आपके साथ ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यार इंडिया के काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं मिस्टर इंडियन हैकर, उन्होंने इस टॉपिक पे एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसकी क्लिप हम अभी शुरू करेंगे। एंड उस क्लिप को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, उसमें आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट कि अगर आप सेम सिचुएशन में हों तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखना, आई विल प्ले दैट वीडियो क्लिप राइट नाउ। मैम बताइए कि अगर किसी के साथ में ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? उसके लिए उन्हें तुरंत हमारी साइबर फ्रॉड वाली जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करना चाहिए, और नंबर है हमारा 1930। तो 1930 पर अगर आप कॉल करेंगे 24 आवर्स में, गोल्डन आवर्स के अंदर, तो हम उनका जो ट्रांजेक्शन है उसको रोक सकते हैं और उसका जो पैसा गया है उस पैसे को वापस उनके खाते में ला सकते हैं। लेकिन अगर उसने पैसा निकाल लिया है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और फिर उसमें टाइम लग सकता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। तो इसलिए 24 आवर्स का टाइम जरूर याद रखना। पहले इसका नंबर था 155-260, अब उसी हेल्पलाइन का नंबर है 1930। अगर उसने पैसा निकाल लिया है और उसके बाद में उसने उसका शॉपिंग किया या जो भी किया, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन का विषय, उसमें आदमी को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो सबसे पहले 1930 पे कॉल करे, उसके बाद में तुरंत जाकर जो निकटस्थ उसका थाना है, नियर वाला जो थाना है, उस पे कंप्लेंट करे, अपने बैंक में जाके अपने क्रेडिट कार्ड और जितने भी कार्ड है उनको ब्लॉक कराए, और उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर RBI को तुरंत ही मेल करे। ये चारों जो है वो स्टेप जरूर फॉलो करें, और इसके बाद में चूंकि थाने पर जो पुलिस है उनकी पूरी मदद करती है और वो इस प्रकार से उसमें मदद ले सकते हैं। अच्छा, ये जो नंबर है ये स्पेशली ऐसे ही किसी फ्रॉड्स के लिए है या फिर इस पे कुछ और भी अपन कर सकते हैं? हाँ, ये जो है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ही है। इसके अतिरिक्त अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का साइबर बुलिंग हो रहा है या किसी भी प्रकार का नेट से संबंधित कोई भी अपराध है तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं 1930। सावधानी ही सुरक्षा है, ये जरूर आप ध्यान रखें और लालच ना करें, किसी भी लोभ लालच में ना पड़े, किसी भी लॉटरी के चक्कर में ना पड़े। अरे मैम ये लॉटरी वाला बड़ा सिस्टम खराब है, मैसेज आए बोले जैसे मेरा नाम है दिलराज जी, आप जीत चुके हैं 25,000 रुपए, कभी कभी 25 लाख रुपए, 1 करोड़ की लॉटरी आपको लग गई है, फटाफट से आप जो है कुछ पैसे इसमें डालिए, जो टैक्स वगैरह कुछ भी ऐसे पागल बना देते हैं और काफी सारे लोग फंस भी जाते हैं।
मैम एक्चुअली। अच्छा एक चीज मैं और आपसे पूछना है, ये वाले जो नंबर है ये कहाँ कहाँ वैलिड है, जैसे कि कहाँ कहाँ पूरे ऑल ओवर भारत में है या फिर राजस्थान में है या फिर कैसे? ये केंद्र सरकार की हेल्पलाइन है जो 1930 मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरे राजस्थान पूरे इंडिया यानी पूरे भारत में, जितने भारतवासी पूरे आपको देखते हैं तो उन सबको ये पता लगना चाहिए कि पूरे भारत में ये हेल्पलाइन जो है काम कर रही है। तो 1930 पर आप कॉल करके अपनी तुरंत मदद ले सकते हैं। एंड मैं यही कहना चाहूंगी, अभी लोग कहेंगे कि कई सारी बात की हमने कंप्लेंट की लेकिन कई कहेंगे कि हमारी सुनी नहीं गई या हमारी जो अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं आया। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है यार क्या कंप्लेंट क्यों करें, क्या ही हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। तो आप बताइए कि तो अगर ऐसा कोई है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि मैंने कंप्लेंट भी करी और पैसा वापस नहीं आया, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि 24 आवर्स में अगर आपने कंप्लेंट की और ट्रांजेक्शन को रुक गया तो आपका पैसा आने का संभावना पूरी पूरी है, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गया तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसमें टाइम लग सकता है। परंतु अब जब आपका कुछ चला ही गया है तो आपको करना क्या है, कम से कम इतना तो पता हो, तो इसलिए आपको तुरंत ही इस नंबर पे कॉल करना ही करना है। जो चारों स्टेप मैंने बताई है उसको फॉलो जरूर करें। तो यार अगर हो सकता है तो यार प्लीज ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करो, मेरी वीडियो अगर आप चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं ये वाली, या फिर अगर आप वीडियो नहीं शेयर करना चाहते प्लीज ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो प्लीज शेयर कर देना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। इन केस इन फ्यूचर अगर उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, ऐसे उनके पैसे वगैरह निकल रहे हैं, सो हाउ दे कैन डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आज के टाइम पे जो साइबर फ्रॉड हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर करना ये वाली इन्फॉर्मेशन। सो यार विद दिस मैसेज हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।